आपको सिर्फ इसलिए कष्ट दिया है कि कल मैं 80 हल्के में अपने गांव गिरायसी से शुरू होते हुए हमारे सुगम्मा के जो चार गांव उनके साथ और फिर हम 80 अनाज मंडी में सारे लोग इकट्ठे होंगे और फिर भी बाकी जो 80 के आसपास एडजोनिक जो अपने हल्के के लोग हैं सबको मैंने उनको कहा कि 8:30 बजे तक आप अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। अनाज मंडी में इकट्ठे करके हमारा एक कल का विशेष लोगों ने शुरू से ही कि क्लीन आसी ग्रीन आसी और पर्यावरण के बारे में और पानी के बारे में लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कि वह पानी का आप दुरुपयोग ना करें। 15 साल के बाद तो आपको पीने का पानी ही नहीं मिलेगा और गाँव में जैसे टूटी खुली छिड़ी रहती है, इसलिए हम उसको जागरूक करने के लिए और हम लास्ट का हमारा उम्राव वहाँ हम पौधारोपण का प्रोग्राम भी करेंगे ताकि पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और वो 200 पौधे हमें एक जागृति मंच के थ्रू हम वहाँ लगवाएंगे। तो ये रोड शो हमारा यहाँ से शुरू होगा, 80 से हम जाएंगे देवपल ढाणी, फिर देवपल गांव, फिर रामायण ढेरी और दमाणा सुल्तानपुर मुजादपुर और फिर हम पहुँचेंगे लास्ट में उमरा। उमरा इसकी हम समाप्ति करेंगे और वहाँ जा करके हम जन सब का लंच है और आप लोगों को भी अगर उचित लगे जहाँ को अच्छा लगता है कि तो वहाँ पर आपको बड़ा आना मुश्किल है, अपन और भी कवरेज दिन में करनी पड़ती है, तो इसलिए मेरे आपसे दरखास्त है कि मैं अनाज मंडी में आपकी वहाँ मतलब 8:30 बजे या 8:30 बजे आप सभी लोग फिर आमंत्रित हो कि ताकि वो आपको प्रोग्राम के बारे में अवगत करा जाए मैं क्या करता हूँ, कल फिर हम उसके बारे में बताए भी कि हम हमारा जो आगे भी जो कार्यक्रम है उसके बारे में और वो आगे जो हमारी हमने जो क्लीन आसी ग्रीन आसी का जो हमने एक मुद्दा उठाया जो हमारा स्लोगन हमने दिया है उसको उसके ऊपर ही हम काम करेंगे और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में करप्शन वर्सेस जीरो टॉलरेंस का जो मुद्दा है उसको हम कल उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि हरियाणा सरकार क्या ये जीरो टॉलरेंस जो कहते हुए हमारे वो नहीं है और करप्शन के आपको मैं कल उसके मुद्दे के बारे में आपसे कल हम डिटेल से हम बात करेंगे और आपको सबको मैं कल के लिए आमंत्रित करना था। आज ये था कि हम सारे बैठे आपस में बात कर लें, कल के बारे में भी आज आपको मैं निमंत्रण दे दूँ तो इसलिए हमारा ये कल ये कार्यक्रम रहेगा और आप भी सभी लोग सुबह 8:30 बजे मंडी में कृपया सभी लोग आप आमंत्रित आज पर्सनली आप हाजिर हो, इसलिए कल आप फिर आपको 8:30 बजे अनाज मंडी से जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा उसमें आप आने के लिए आपको हाँ मोटरसाइकिल रैली होगी वो हमें मोटरसाइकिल क्या हमें वो एक मैंने कहा क्लीन आसी ग्रीन आसी और रोड शो कर करके लोगों को जागरूक करेंगे अपने अधिकारों के बारे में पर्यावरण के बारे में पानी का दुरुपयोग के बारे में चाहे वो सिंचाई का हो चाहे वो पीने की व्यवस्था के बारे में हो उनके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। लोगों को अपने अधिकारों का भी नहीं पता तो अधिकार मैंने देखा है जैसे कि हमारे को कर्तव्यों के बारे में तो बता देता अधिकारों के बारे में नहीं बता देता। कई बार छोटे छोटे मुद्दे होते हैं छोटी छोटी बातें होती हैं उनके लिए लोग अगर हम उनको मुद्दों को उठाते हैं किसी के सामने रखते हैं किसी अफसर के सामने या किसी कर्मचारी अधिकारी सामने वो खिल्ली उठाते हैं कि ये कोई बात हुई लेकिन वो अधिकार की बात है छोटे है बड़े वो कोई बात नहीं। अगर करप्शन आपने एक पैसे की है वो भी करप्शन है और 10,000 करोड़ गिरी वो भी करप्शन है तो इसलिए हम इनके बारे में एक जागरूक करने के लिए हमें एक अभियान चलाया है और रोड शो में हम वो लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में बताएंगे ताकि लोग इस बारे में सचेत हो सकें। वोट का ऐसा गंगवाणी साहब उसमें 2 तारीख लगी हुई है 2 सितंबर और वो कंडीशनल ऑर्डर जब वो 22 तारीख थी तो वो 22 तारीख को SDM साहब थोड़े व्यस्त थे DC की मीटिंग में वो 4 बजे तक इंतजार करी वो आए नहीं 4 बजे फिर उन्होंने 2 सितंबर की डेट लगा दी लेकिन जो उसके SDM साहब के रीडर ने 8:05 को ही जो मतलब जब वो याचिका लगाई थी
उसी दिन एसडीएम साहब ने कंडीशनल ऑर्डर पास करने का एक ऑर्डर दिया था, हम उस फाइल पर लिखा था ऑर्डर शुड बी इशू, ऑर्डर बी इशू, ये फाइल पर लिखा हुआ था, लेकिन वो उसकी रीडर की लापरवाही के कारण वो ऑर्डर नहीं कर पाए। लेकिन इसमें अब कंडीशनल ऑर्डर एसडीएम साहब ने उसके ऊपर कर दिया है और उस उसकी समनिंग के लिए 2 सितंबर को कमेटी को बुलाकर 2 तारीख को कमेटी क्या जवाब देती है, एसडीएम साहब क्या ऑर्डर करते हैं। मेरी उनसे दरखास्त, मैंने अपनी एक अपील लगाई हुई है कि वो कमेटी को बाउंड करें कि वे कितनी समय सीमा में वो शहर की सफाई करेंगे, और सफाई ही नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें सब उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि न्यूसेंस, मैंने न्यूसेंस की याचिका दायर की है। न्यूसेंस में आवारा पशु जैसे हैं, उनसे एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो सीवर रुका हुआ है, चाहे वो गंदे नालियों का रुके हुए हैं, उतना सफाई के बारे में जो गंदगी की अव्यवस्था हो रही है उसके बारे में हमने याचिका डाली। उसमें वो याचिका का वाइड उन्होंने व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने याचिका में एसडीएम साहब के सामने ये रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि भाई कोई स्पेसिफिक आप नाम बताइए, स्पेसिफिक मैंने कॉलोनियों के नाम दिए जहाँ पर गंदगी है या सफाई नहीं हो रही। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी बेहद खुशी, और मैं बड़ा इस बात के लिए लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि लोग चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हों, चाहे वो समाज की सेवा से उद्देश्य कर रहे हों, आम नागरिक हंसी का इस बात के लिए याचिका के बाद जागरूक हुआ है कि हम ऐसे कानूनी तौर पर भाई हम सरकार को, सरकार के अधिकारियों को वैध कर सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो धारा 188 के तहत उनकी 6 महीने की सजा भी हो सकती है। हम नहीं चाहते कि हम इस कदर तक मुझे जाना पड़े, ताकि कमेटी हमारा और एसडीएम साहब के आदेश की पालना करें और वो शहर का साफ सुथरा करने में नहीं योगदान दें, और उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रशासन का भी कि उन्होंने याचिका को सुनने के लिए अभी कंडीशनल ऑर्डर जारी करिए है, और जो समनिंग की 22 तारीख की, और जो 2 तारीख को जो ऑर्डर करेंगे एसडीएम साहब, वो आपको फिर मैं एक चाहे प्रेस नोट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आपको बताऊँगा। और इससे शहर के लोगों को और ग्रामीण लोगों को आंचल में ये पता लग गया कि हम इस बात के लिए कानूनी तौर पर जागरूक हुए लोग, और सभी ने इसमें सफाई व्यवस्था में जो योगदान दिया, जो कोशिश करी, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, और वो अच्छे काम के लिए वो आगे आए हैं, और मुझे अथाह प्रेम और स्नेह जो शहर की तरफ से और गाँव की तरफ से जो लोगों ने पढ़ के उस याचिका को मुझे दिया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में प्रेस के बंधुओं का, छायाकारों का, चित्रकारों का, मैं आपका भी एक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे उस मुद्दे को, उस बात को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। इस बात के लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।